नमस्कार साथियों, सुबह सुबह आज एक आर्टिस्ट का मैसेज आ गया है। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और उन्होंने दादाजी की फोटो मंगाई है। शायद उन्हें कोई आर्ट वर्क करना होगा। जब मैं उठा तब देखा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ है, फेसबुक पे भी आया हुआ है। तो पहले उनको फोटो करेंगे सेंड और फिर अपन नहा धो करके, और आज जयपुर जाने का टूर है, जयपुर चलेंगे। तो भाई जयपुर चलने के लिए अपन बिल्कुल तैयार हैं। मटकू भाई से पूछते हैं, मटकू भाई भी चलेगा क्या? मटकू से पूछेंगे, अगर मटकू चलता है तो मजा आएगा, आनंद आएगा। ये भाई मटकू को याद गया और मटकू आ गया, हाजिर है। इससे पूछते हैं भाई जयपुर चलेगा? जयपुर हाँ। क्या करेंगे जयपुर जाके? चलेंगे, घूम के आएंगे, आज संडे है। चलो ठीक है, चलते हैं। मटकू भाई तैयार हो तैयार गया। मान लो आऊंगा सुबह सुबह मटकू भाई के परम मित्र आदित्य तिवारी का मेरे पास मैसेज आया, तो मटकू भाई ने सूचना दी होगी उनको। नहीं मैंने तो नहीं, मेरे को बताओ क्या मैसेज आया? उनका मैसेज आया, उन्होंने पाटन बुलाया है। अच्छा, वो बता रहे काफी जगह है पाटन में घूमने के लिए। अच्छा, उनको रिप्लाई दे देना कभी आएंगे पाटन छुट्टियों में। मैंने उनको बोल दिया है कि हम 21 तारीख बाद हो सकता है हमारा घूमने का प्लान बन जाए पाटन। हाँ ठीक है, तो अभी तो आप जयपुर चलने की तैयारी करते हैं, नहाते हैं, तो भाई साहब को सरप्राइज देते हैं। मेरा जयपुर जाना कैंसिल हो गया है, ये 2-4 दिन रुक के आएंगे वहाँ पे। 2-4 दिन नहीं, कल आ जाएंगे वापस। कल आ जाएंगे क्या? हाँ। तो फिर चलते हैं मेरी मम्मी से बात करने के लिए, मिलते हैं। क्या कर रहे हो भैया? दावे का टाइम है, आप रहे हाथ डबल काम हो रहे, भैंस का बांट भी सीज रहा है, सर्दी भी ज्यादा है, ज्यादा है तो हाथ भी ताप रहे हैं। छुट्टी का संडे का आनंद ले रहे हैं, काम के काम और गुठलियों के दाम। तो अभी डांट सुन के आ चुके हैं वापस, हम कैंसिल हो गए हैं। अच्छी वाली डांट पड़ चुकी है। तो भाई जयपुर जाना तो कैंसिल हो गया है मेरा, अब देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे अकेले। ये देखो भाई, दोनों बैठे बैठे प्लान बना रहे हैं जयपुर जाने का। इनकी पार नहीं पड़ रही है, इनको सख्त निर्देश मिल गया है कि आपको कहीं नहीं जाना है। भाई साहब जैक लगाएंगे तभी काम चलेगा हमारा। तो इसके साथ साथ मेरे को भी डांट पड़ गई है। मेरे पापा के पास और चल रहा है। चलो भाई साहब इजाजत लेके चलते हैं, अभी चलेंगे। रोटी सब्जी तो खा लेंगे, पहले रोटी खा लो, कहीं रोटी भी नहीं मिलेगी, पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलेंगे, है ना? ना तो आ तू ना हो तो रोटी खाया बात, रोटी खाया बात ना हो ना हो तो मैं शक को जाऊंगा। अच्छा A few moments later. गाड़ी की देखो भाई क्या हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत है। मेरे को काम में लगा के और ये चला गया घूमने के लिए। गाड़ी साफ कर दी है मटकू भाई ने, गाड़ी बिल्कुल तैयार है भाई चलने के लिए। मटकू भाई ने चमका दी है गाड़ी, बिल्कुल एक नंबर। मेरा तो जाना कैंसिल हो गया, मैंने गाड़ी धोई पर अभी तक साफ नहीं हो पाई सही तरीके से। घर से कर रहे हैं जयपुर की तरफ प्रस्थान, मटकू भाई पतंग उड़ाने में व्यस्त हो रहा है। भाई साहब गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू में गाड़ियों के चालान काट रहे हैं। कैमरे का कवर घुमा दिया है भाई, ये पड़ा ये पड़ा मिल गया। चलाओ देखें यहाँ पे, हम चलाओ। ये बढ़िया था गुरु। सहलेंगे थोड़ा सा, हाजमोला का आनंद लेते हुए। भाई राजेंद्र सर से अभी हुई है बात, तो हम में वो काम करते हैं, हमारे जो बेस्ट टीचर है उनसे हम मिलते हुए चलेंगे। माता जी गाय की रोटी लेकर के आई है घर से, गाय डर रही है देख करके, उतर के ही देना पड़ेगा। कितना ओवरलोड है देखो भाई। कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है कोई मंदिर में होगा, काफी सारी गाड़ियाँ एक साथ जा रही है। सड़क तो जैसे अच्छी है ही, सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ बड़े बड़े खेत है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है। भाई मैं पहुंच चुका हूं चौमू और हम मिलते हैं हमारे परम हितैषी, हमारे गुरुजी श्रीमान राजेंद्र जी से। यहाँ हमारे गुरुजी हैं राजेंद्र सर, इनका हमने आशीर्वाद ले लिया और मिलेंगे जयपुर में। घर से पानी भर के लाए थे, सारी गाड़ी में पानी पानी हो गया है, वाटर बैग उल्टा हो गया था गाड़ी में। वीकेंड कर्फ्यू का प्रभाव जयपुर में स्पष्ट नजर आ रहा है, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और भीड़ बिल्कुल कम है। आज का स्टे जयपुर में ही होने वाला है, जयपुर में रुकेंगे। ये है भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट पराठा, 32 इंच का पराठा, कल हमने भी ये देखा था क्रेजी XYZ पे। क्या हो गया? गाड़ी
गाड़ी में पानी पानी होने की वजह से मेरे पैर सारे खींचे खींचे हो गए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, कर दिया पार्क, अब चलते हैं अपन अपने फ्लैट पे। अभी अपन 32 इंच का पराठा दे के आए हैं ना, अपन बनाएंगे आलू के पराठे, 6-6 इंच के 6 खा लेंगे घर पे ही। ये देखो भाई, ये अपनी ट्रेडमिल पड़ी है बिल्कुल जर्जर हालत में, काफी दौड़ाया था इसको किसी वक्त, लेकिन अब किसी काम की नहीं है। और ये है अपनी रसोई, इसमें बनेंगे पराठे आज। स्टडी रूम जो कभी काम नहीं आया पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई रहता तो है नहीं। और ये है अपना एक शयन कक्ष, इसमें लगा हुआ है बेड, ये दूसरा शयन कक्ष, ये इधर है अपनी बालकनी, बाहर से मस्त व्यू आता है। और यहाँ पे रहते हैं भाई कबूतर, ये बिल्कुल कबूतरों के लिए पसंदीदा जगह है, जो कोई फ्लैट में नहीं होता है तो ये यहाँ पे होते हैं। बाकी बढ़िया अंडे वंडे दे रखे हैं इन्होंने, देखो यहाँ, ये देखो काफी दिनों बाद आए हैं फ्लैट में, एक तो पड़ी है पतंग और एक पड़ा है कबूतर, मरी हुई व्यवस्था में। मटके के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है भाई, मटके के अंदर क्या है, मटके के अंदर भी कबूतर है भाई, मटके के अंदर भी कबूतर घुसा हुआ। सर्दी से बचाव का ये तरीका अच्छा है। फ्लैट में बाहर बालकनी में सफाई करने का विचार माताजी ने कैंसिल कर दिया है। ये अपन एक दिन के लिए आते हैं और एक दिन के लिए इनका घर उजाड़ने से कोई फायदा नहीं है, रहने दो इनको। मेरे को लगता है ये इसमें फंस गया है, लेकिन इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कबूतर रेगुलर यही रहता है, इसमें बीट बीट भी कर रखी है इसने। जयपुर की पतंगबाजी का आनंद ही कुछ अलग है। देखो आज भी 16 तारीख हो गई है, मकर संक्रांति 14 तारीख की थी, लेकिन फिर भी आज भी देखो जयपुर में खूब सारी पतंगे उड़ रही है। बची हुई पतंगों का बिल्कुल उपयोग करके मानेंगे सब। तो वही आलू के पराठे के साथ खाएंगे दही, तो अब यहाँ दही भैंस तो है नहीं, दही लेने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट, और मार्केट से लाना पड़ेगा दही। बीच में क्या बड़बड़ करते रहते हो, चलते हैं दही लेके आते हैं। तो हमारे को क्या पता था पराठे खाने पड़ेंगे, 10 रुपए तो दही कैसे आएगा, 10 रुपए तो तुरतुरे, 10 रुपए तो तुरतुरे तो सुने, 10 रुपए तो दही कैसे आएगा। पहले जब हम यहाँ रहते थे तब यहाँ नेट वेट की कोई व्यवस्था नहीं थी बैडमिंटन खेलने के लिए, दही के 2 डब्बे भाई अपने ले लिए हैं, चलते हैं। देखो भाई साहब, आलू के पराठे के लिए मसाला तैयार है, प्याज वाले पराठे बनाने की शायद कोशिश की जा रही है। मसाला टेस्ट करवा दो, नमक मिर्ची दोनों कम है। ये मसाला इसमें लगभग 7-8 लोग पराठे खा सकते हैं, इतना मसाला इन्होंने लगा दिया। खाने वाले यहाँ है सिर्फ दो ही। ये भाई साहब आलू का पराठा, सारा मसाला बच चुका है, ये तो सुबह ही काम आएगा, ठंडा पराठा खाना पड़ेगा सुबह, अभी बना के रखना पड़ेगा, पूरा गांव ना जीवा में जब तक पराठा बनता। चलते हैं देलावास बालाजी के मंदिर में, बालाजी के दर्शन करेंगे। जी देखो भाई साहब, वाटर लीकेज हो रहे हैं यहाँ पे, गांव की शांति से दूर आज शहर की अशांति में है। हम पहले आगे कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हो सकता है पेट बंद नहीं मिल सकता। गौ जी की सुनाई हुई कहावत मेरे को अब याद आती है जब मैं ये वीडियो देखता हूँ, गोरगड़ी भाई गोरगड़ी, सासू छोटी गो बड़ी, गो बड़ी डूंगर के मान, गो बड़ी बटोड़ोसी घर में डोले, गोड़ोसी भाई गोड़ोसी। पहुँच चुके हैं देलावास बालाजी के मंदिर में और बिल्कुल सही वक्त पर हम आए हैं, यहाँ आरती चल रही है। अखंड रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है यहाँ। अपन पहुंच चुके हैं वापस घर, वीडियो को करते हैं प्रीमियर में इंपोर्ट, रात के 8 बज चुके हैं। ऐसे ही आनंद लेते रहिए, मौज मस्ती से मनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद। पराठे ज्यादा बन गए हैं तो अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और पराठा खाने का। यहाँ चल रही है वीडियो एडिटिंग। सुबह अपन ने बात की थी कि एक आर्टिस्ट ने हमारे पे दादाजी की फोटो मांगी आर्ट बनाने के लिए, तो जैसे ही वो फोटो या जो आर्ट बनाएंगे वो आएगी, वीडियो में आपको दिखाएंगे जरूर।